वाह, लड़की पकोड़े की तरह है। कौन है आप, किससे मिलना है? मुझे कल्याण जी से मिलना है। तो पहले मुझसे मिलना होगा। तुम कौन हो? अभी बंदर से आदमी बने हो क्या? Who are you? मैं इस घर का बावर्ची। तो आज मेरे लिए भी खाना बनाना। आप कौन है? मेरा नाम ओम राजा है मैडम। कल्याण जी के लिए एज अ केयर टेकर चक्रवर्ती जी ने मुझे अपॉइंट किया। कल्याण के बारे में आपको सब पता है ना? मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता, कल्याण जी के बारे में क्या पता होगा। तो फिर हो गया तुम्हारा काम। तुम चुप रहो, कल्याण अंदर है, आप जाइए। थैंक यू मैडम, गुड बाय। संभल कर जाइएगा। कल्याण जी को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है मैडम। उसकी नहीं, आपकी बात। एक्सक्यूज मी, आई एम ओम राजा। आज से मैं आपका केयर टेकर हूँ, आपके ब्रदर ने मुझे अपॉइंट किया है। केयर टेकर? हाँ। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? आप क्या उखाड़ने वाले हो ये मैं उनको बता दूंगा। आपके मन में क्या चल रहा है मैं चुटकी बजाते बता दूंगा। अच्छा? हाँ। ये कॉन्सेप्ट तो नया लग रहा है, तुम यहीं पे रुकना। हाँ? मैं नहाकर आने के बाद तुम पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। ओके। अरे मुझे टॉवेल चाहिए था, ये तुम्हें कैसे पता चला? नहाने के बाद हर किसी को टॉवेल की जरूरत पड़ती बेवकूफ। You're a genius. ये सब तुम्हें कैसे पता चल जाता है? टीवी के सामने बैठ के कोई टीवी ही देखता है, उसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है। क्या ट्विस्ट है यार। दिमाग खराब हो रहा है, नाश्ता मांगने से पहले ही नाश्ता ला कर दे दिया। You're a great man. अरे बेवकूफ, डाइनिंग टेबल पर कोई भी बैठेगा तो खाने के लिए बैठेगा ना। ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, इसे जल्दी से कैच करना पड़ेगा। सर किधर जा रहे हैं सर? इतना कुछ पता कर लिया, ये पता नहीं कर पाए। यूजलेस फेलो, जल्दी से पता करो और वहां पहुंच जाओ। ये मामूली पागल नहीं है, ये तो पागलों का भी बाप है। किसका वेट कर रही हो? कल्याण की वेट कर रही हूँ। कल्याण का वेट कर रही हो? वो तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट आज तो उसे आई लव यू बोल दो। नहीं आज नहीं, पापा का कहना है कि मुहूर्त अभी ठीक नहीं है, उसे आई लव यू कहने के लिए मुझे 3 महीना इंतजार करना होगा। एक औरत करेले के सामने हाथ जोड़कर ये समझती थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। शट अप। पता नहीं तुम कौन सी सदी में रह रही हो। ए, कल्याण आ रहा है। हाय। हे बिंदु, अरे तुम क्या कर रही हो, अंदर चलो ना, कम ऑन। ओम राजा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? इसके बारे में तो इजी पता चल गया। है कौन, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और? ओम राजा है यार, मेरा केयर टेकर। अरे बाप रे, केयर टेकर? हाँ मैडम, आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। कल तक रहोगे ना? जो क्यों मार रही हो मैडम, वैसे ये सब आप ही के फ्रेंड है ना? ओ भाई, जो आजू बाजू रहते हैं वो फ्रेंड ही होते हैं। बेवकूफ की तरह डाउट कर रहा है यार। अच्छे मिले हो बेटा तुम लोग, अब देखो तुम लोगों का कैरेक्टर कैसा डिस्क्लोज करता हूँ। Many many happy returns of the day, my lovely sister. Thank you, भैया. Thank you. Hello, Kirti. Many many happy returns of the day. Thank you, भाई. भैया का गिफ्ट तुम्हें मिल गया है ना? हाँ, अभी मिल गया. मुझे दीजिए. Many many happy returns of the day. अरे रुको. Hello, Kirti दीदी. Happy birthday to you. Kirti का जन्मदिन है. मुझे दीजिए. मैडम आपको मेरे बदले आप ही कह दो ना भाभी. कल्याण, ये ठीक नहीं होगा. What? आज तुम्हारा बर्थडे? Many many happy returns of the day, man. आज मैं इवनिंग में बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ और किसी भी फ्रेंड को ग्रैंड पार्टी में मिस नहीं करना है, ओके? देख लिया ना मैम साहब, बहन को फोन पर मुबारकबाद देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स को पार्टी देने का टाइम है। आप बहुत हो गया, छोटे मालिक की शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। आने वाली बहू आपकी तरह सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फूल अंधेरी की तरह होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। ये क्या है बेटी? ये मेरे रिवॉल्वर लाइसेंस का एप्लीकेशन है सर। लेकिन तुम्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों चाहिए बेटी? सर आपने हमारे एरिया के एमएलए को भी रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया हुआ है। वो गुंडे हिट लिस्ट में है बेटी। हमारे एरिया की रियल स्टेट बिजनेसमैन के पास भी रिवॉल्वर का लाइसेंस है। ऐसे बड़े लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं ना बेटी। रिसेंटली आप ही के पुलिस स्टेशन में इस एरिया के गुंडे ने रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तुमने ठीक कहा बेटी, तुमने जिनका नाम लिया उनसे किसी न किसी को खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है सर। व्हाट? यस सर, हम सुबह निकलकर कॉलेज जाते हैं और शाम तक बाहर रहते हैं। इस बीच में रोज कोई ना कोई मनचला आकर आई लव यू कह देता है। दूसरे गुंडे आकर उनका प्यार कबूल ना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सारे गुंडे मवाली हैं सर। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, ऐसा कहकर चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, नहीं तो फिर क्लासरूम के अंदर आकर गला काटने की धमकी देते हैं। हम सब मनोहर जैसे गुंडे और मवाली के हाथों नहीं मरना चाहते हैं सर। हम लोग बेझिझक कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं सर। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो सपना देखा है
उस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं। हम सेफ फील करना चाहते हैं सर। क्या तुम लोग सेफ नहीं हो? अगर होते तो वो श्री लक्ष्मी, आयुषी, मीरा और आरुषि को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा जाता सर? अगर सचमुच किसी को सेफ्टी की जरूरत है तो वो है टीनेज गर्ल्स। अगर आपको गन देना चाहिए तो हमें देना चाहिए सर, पॉलिटिशियंस और गुंडों को नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट सही है ये आप भी जानते हैं सर, प्लीज मेक इट फास्ट। आज इस कल्याण का तो कल्याण हो जाएगा। आज इस कल्याण का तो क्या बात है, आज बहुत खुश हो क्या सर? कल्याण का फ्यूचर इस लिफाफे में लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा है, एक बार चेक कर लो। चेकिंग? मेरे किए हुए काम को रीचेक करना मेरी लाइफ में नहीं है सर। बाप रे, इसे देखकर लगता है कि जबरदस्ती थप्पड़ खाने वाला है। बड़बड़ क्यों कर रहे हो सर? तुम्हें देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे भी आपको देखकर दया आ रही है। अच्छा तुम्हारे जैसे को मैंने अपनी सर्विस में कितनों को देखा है। ऐसा क्या सर, मैंने अपनी सर्विस में आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। गुड मॉर्निंग सर। एडवांस लिए आधा मिनट से पहले ही ऑपरेशन शुरू हो गया था सर। 24 घंटे में हम किसी की भी लाइफ को इस कवर में रख के दे देते हैं सर। ध्यान से सुनिए, ये कवर खोलते ही आपको अपने भाई का असली रूप दिख जाएगा। फर्स्ट टाइम फोटो देखकर शॉक्ड हो जाएंगे, सेकंड टाइम थ्रिल करेंगे, उसके बाद गिफ्ट ही गिफ्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। कवर खोल के देखिए सर, वर्क भी अच्छा लगेगा। देखा ना सर, शॉक हुए ना? मैंने कहा था सर थ्रिल करेंगे, इतनी जल्दी गिफ्ट मंगवा रहे हैं। ची 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 ची, आप मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं सर। दत्तू भेज दो। देखा सर, मैं कहीं भी जाता हूँ सब लोगों का ऐसा ही रिएक्शन होता है सर। ए, ये क्या सर, सर ये क्या कर रहे हैं? अरे मेरी माँ, ये क्या है सर? मैंने सोचा था आप फोटो देखकर भाई को मारोगे, लेकिन अपने आदमियों से मुझे क्यों पिटवाया सर? सर ये क्या है सर, क्यों मार रहे हैं? माँ ये क्या है सर? अरे बाप, आदत बताने के लिए कहा था, लगाने के लिए नहीं रास्कल। क्या हम राजा जी, क्या हालचाल है? हां सर, जो भी है सब सही है सर। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है तो आपने देख लिया सर? बराबर है, सब निकल गया, कुछ भी नहीं है। गिफ्ट क्या देंगे सर, अपॉइंट करके ऐसा धोया आगे से पीछे से। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ अब। ये क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये फोटो क्यों खींचे तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ऐसा क्यों किया? 6 महीने से मैं अपना सर पीट पीट कर अपनी सैलरी मांग रही हूँ और आप मुझे नचाते जा रहे हैं। हाँ तो इस टाइप के फोटो निकालोगी? उन्होंने कुत्ते की तरह पीटा है मुझे, मैं इसी वक्त तुम्हें डिसमिस करता हूँ। अरे जा रे, तू क्या मुझे डिसमिस करेगा, मैं खुद अपने काम से रिजाइन देती हूँ। गुड बाय। आप शांत रहिए, सुबह से शाम तक 500 एम्बुलेंस आती जाती है। अगर मैं उसी को सिग्नल देता रहूंगा तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करूंगा? आप मुझे मत परेशान करिए, जाइए। दो मिनटों में उनकी कितनी हेल्प हो जाएगी सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप। कैसे स्टॉप करूं? अरे स्टॉप, अरे तुम क्या कर रही हो? यू गो, गो। आप लोग रुक जाइए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स ही जाते हैं, ऐसा सोचा तुमने? ट्रैफिक से बचने के लिए आज करके आवारा लोगों ने ऐसे ट्रिक अपनाए हैं, इसीलिए हम इन्हें सिग्नल नहीं देते। आज दुनिया बदल गई है बेटी। नो प्रॉब्लम सर, उस एम्बुलेंस में पेशेंट की हालत कितनी सीरियस होगी ये सोचकर घबरा गई थी मैं। उसमें पेशेंट नहीं है ये जानकर आई एम वेरी हैप्पी, सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए मेरे भाई ने किसी डिटेक्टिव को अपॉइंट किया है। वो जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपके लिए डिटेक्टिव अपॉइंट किया है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सर। ये गारंटी के साथ पक्की इन्फॉर्मेशन है। इज्जत से बता दो कि वो कौन है। अब वो कौन आदमी मैं कैसे पता कर सकता हूँ सर? अगर आपको पता करके बता दिया तो क्या करोगे सर? इमीडिएटली उसको मारने की सोच रहा हूँ। ऐसा है, ये तो मुझे नहीं पता था। आंख बंद करके खोलने तो उसके बारे में मुझे पता चल जाना चाहिए। बाप रे। क्या रे, नींद में तो हमेशा बड़बड़ाता रहता है तू कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ। तो अब क्या हो गया? मैंने कहा होगा सर, मैं बेवकूफ हूँ ना। तुमने मेरे भाई के बारे में भी गलत बात कही थी। इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, अगर आज के बाद इधर की बात उधर गई तो ये टेप भाई के सामने चला दूंगा। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उधर तक मत जाइए, आपके भाई को पता चला तो मुझे जान से मार देगा सर।